नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाना है। शाला दर्पण से कार्मिकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा इसी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो का लाभ भी आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से कार्मिकों के वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से कार्मिकों का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। साथियों, मैं लॉगिन प्रक्रिया आपके साथ यहां शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लॉगिन प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। यदि फिर भी आपको लॉगिन करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जब शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से अपने आप को आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब आपको यहाँ आना है लेफ्ट हैंड की ओर। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शन को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब आप यहाँ पर एक टैब देख सकते हैं एम्प्लॉई वेरिफिकेशन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक सब टैब और आपके सामने यहाँ ओपन होकर आएगी, वर्किंग एम्प्लॉई वेरिफिकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ आपको आपके अधीनस्थ सभी विद्यालयों के नेम डिस्प्ले किए जाएंगे। इन विद्यालय में वर्किंग स्टाफ कितना है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आपके द्वारा कितने कार्मिकों को वेरीफाइड किया जा चुका है वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं, और कितने कार्मिक ऐसे हैं पेंडिंग जिनका वेरिफिकेशन आपने नहीं किया है वो संख्या आपको यहां पर बताई जाएगी। अब जिस भी विद्यालय के कार्मिकों को आप वेरीफाई करना चाहते हैं उस विद्यालय के नेम पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जिस भी विद्यालय का चयन आप करेंगे उस विद्यालय में कितने कार्मिक है उनके नेम आपको यहाँ पर अलग कलर में डिस्प्ले किए जाएंगे। नेम यहाँ आपको अलग कलर में क्यों डिस्प्ले किए जा रहे हैं उसका रीजन आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। अब आपको कार्मिक का वेरिफिकेशन करना है तो सबसे पहले आपको कार्मिक की एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पर बताई जाएगी। कार्मिक का मोबाइल नंबर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। कार्मिक के पिताजी का नेम आप यहाँ से देख सकते हैं। कार्मिक की जन्मतिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्मिक का मूल पद या विषय क्या है वो जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएगी। विभाग में आने की प्रथम नियुक्ति तिथि आप कार्मिक की यहां से देख सकते हैं। वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि आप कार्मिक की देखना चाहते हैं तो वो आपके सामने यहां पर डिस्प्ले की जाएगी। अब आपको यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि कार्मिक से संबंधित जो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डिस्प्ले की जा रही है यदि इसमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो आपको क्या करना है, कार्मिक का प्रपत्र 10 सही अपडेट कार्मिक द्वारा करवाना है, तब आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ शो की जा रही है वो सही शो होगी। तो आपको इस चीज का भी वेरिफिकेशन करना है कि कार्मिक की जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की जा रही है ये सही है या नहीं। उसके अलावा आपको मुख्य रूप से कार्मिक का फोटो वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्मिक फोटो वेरिफिकेशन की स्थिति आपको यहाँ पेंडिंग रेड कलर में मिलेगी। तो आपको कार्मिक का फोटो वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए जिस भी कार्मिक का फोटो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसका नेम आपको जो यहाँ अलग कलर में डिस्प्ले किया जा रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जिस भी कार्मिक का चयन करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले की जाएगी। सबसे पहले आपको आधार नंबर यहाँ पर कार्मिक के बताए जाएंगे, उसके आगे आपको कार्मिक का नेम, उनके पिताजी का नेम और कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताई जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन चीजों का फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करना है। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपको कार्मिक की जो यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है वो सही पाई जाती है तो आपको यहाँ यस पर ही क्लिक रखना है। परंतु यदि आपको जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रही है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता है तो आपको यहाँ नो का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कार्मिकों की सेवा पुस्तिका से कार्मिकों के बॉडी मार्क का मिलान करना है, तो आपको सेवा पुस्तिका जिस भी कार्मिक के डेटा को आप वेरीफाई कर रहे हैं उसकी देखनी है। यदि उनकी सर्टिफिकेट में कोई बॉडी मार्क लिखा हुआ है तो उसका विवरण आपको यहां पर दर्ज करना है, और यदि कोई बॉडी मार्क संबंधित कार्मिक के आपको नहीं लिखा मिलता है सेवा पुस्तिका में तो इस तरह से आप यहां दोनों जगह नो लिख सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर, तो आपको मुख्य रूप से जो
फोटो वेरिफिकेशन कार्मिक का करना अनिवार्य है। तो यहाँ कार्मिक का फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस फोटो को वेरीफाई करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो फोटो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है वो संबंधित कार्मिक का 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो यहाँ फोटोग्राफ डिस्प्ले किया जा रहा है ये कार्मिक का 3 माह से पुराना फोटो है तो आपको क्या बोलना है, कार्मिक के अपने प्रपत्र 10 को अपडेट करने हैं तो कार्मिक को निर्देशित करना है। कार्मिक अपना फोटोग्राफ बिना प्रपत्र 10 को अनलॉक करवाए शाला दर्पण से अपडेट कर सकते हैं। शाला दर्पण से यदि आपके कार्मिक को फोटोग्राफ अपडेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से प्रपत्र 10 में कार्मिक का फोटोग्राफ अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद जब आपको यहाँ फोटोग्राफ सही दिखाई देने लगेगा तो आपको यहाँ आगे एक सेलेक्ट बॉक्स देखने को मिलेगा। आप इस फोटो का वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं तो वो आधार आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यदि आपने आधार कार्ड से कार्मिक का फोटो वेरीफाई किया है तो आप आधार कार्ड का ऑप्शन चयन करेंगे। यदि पैन कार्ड से आप वेरीफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। और आप अन्य चीजों से कार्मिक का फोटो का वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस भी आधार पर आप कार्मिक के फोटोग्राफ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। वो आगे जब आप आएंगे तो आपको कार्मिक के ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी देने के लिए कहा जाएगा। तो आपको संबंधित कार्मिक से उसका ब्लड ग्रुप क्या है वो पूछ लेना है और उसके अनुसार आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। वर्तमान पद पर नियुक्ति तिथि भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपको जो जानकारी अवेलेबल करवानी है कि विभाग में प्रथम नियुक्ति का प्रकार कार्मिक का आपको चयन करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कार्मिक का चयन किस माध्यम से हुआ है वो माध्यम आपको यहाँ से चुन लेना है। उसी प्रकार आगे आपसे वर्तमान पद पर नियुक्ति का प्रकार की लिए इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होगी तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। कार्मिक का वर्तमान पद पर आने का माध्यम क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से क्रॉस चेक करना है, कहीं इंफॉर्मेशन में गलती तो नहीं है। कई गलती आपको लगती है तो आपको गलती का सुधार कर लेना है। जब सारी इंफॉर्मेशन आप सही कर लेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की ओर एक टैब देखने को मिलेगी, सबमिट वेरिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, एम्प्लॉय डेटा वेरीफाई सक्सेसफुली। मतलब जिस कार्मिक के डेटा को आपने वेरीफाई किया है उसे शाला दर्पण ने सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है। अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप जिस भी कार्मिक के डेटा को वेरीफाई कर देंगे उनके नेम के सम्मुख आपको यहाँ पर All verified on, जिस तिथि को आप डेटा को वेरीफाई करेंगे वो तिथि आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। इस तरह साथियों आपको इस वीडियो की सहायता लेते हुए आपके और आपके अधीनस्थ जितने भी कार्मिक कार्यरत है उनके डेटा को 1 by 1 वेरीफाई करना है। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेते हुए आपके और आपके जितने भी अधीनस्थ कार्मिक है उनके डेटा को वेरीफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहेगा। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि जिस प्रकार आपका कार्य आसान हुआ है उसी प्रकार हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है या वीडियो संबंधित सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।